हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गो टू सक्सेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि जनरल अवेयरनेस और जो मैथ्स का सेक्शन रहता है वो हम कल कंप्लीट करेंगे, तो आज मैं आपको वो करवा रही हूँ ना। और इससे पहले हम हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग के दो वीडियोस में हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे अभी फ़िलहाल जीके। और फ्रेंड्स, मैथ्स का मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस शो कर दूंगी, ओके। सॉल्यूशन अभी नहीं है मेरे पास, बिकॉज़ उसमें टाइम लगता है और सॉल्यूशन मैं कर नहीं पाई, तो एक आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता लग जाएगा, ओके। जीके के बाद सीधा मैं स्लाइड्स आपको शो कर दूंगी कि मैथ्स से कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, ओके। तो आपको एक हिंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस का। ये TGT हिंदी का एग्ज़ाम है मेल कैंडिडेट्स का, जो कि 28 अगस्त को हुआ था और मॉर्निंग शिफ्ट में, इट मीन्स 12:30, सॉरी 10:30 to 12:30 हुआ था, ओके। तो या फिर ये है, एक मिनट, एक बार देख ही लेते हैं इसको। जी बिल्कुल, 12:30 से 2:30 वाली शिफ्ट का ये पेपर था, ठीक है। तो ये रीजनिंग हमने कर ली थी, अब हम करेंगे अपना जीके पोर्शन। यस, यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। यहाँ पर असत्य, गलत पूछा है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया कि यह उत्तरी भारत के डेल्टा क्षेत्रों के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी और रेत का मिश्रण है, यह पोषक तत्वों से भरपूर है। तो ये तीनों पॉइंट सही है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तरी भारत के डेल्टा क्षेत्र से मिलती है, मिट्टी और रेत का मिश्रण होता है और पोषक तत्व इसमें होते हैं। सबसे अच्छी मिट्टी इसको मानी जाता है, माना जाता है। और ये क्या होता है कि खेती के लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी इसको माना गया है। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने, यह सब्जी और फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि उपयुक्त मानी गई है जलोढ़ मिट्टी। मानी क्या, उपयुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेकंड है हमारा, कार्बोलिक एसिड में पाए जाना वाला एक हानिकारक पदार्थ है, यानी कि कौन सा पदार्थ है जो कार्बोलिक एसिड में पाया जाता है, वो है फिनाल, ठीक है। फिनाल कार्बोलिक एसिड में पाया जाने वाला एक हानिकारक पदार्थ है। बहाई मंदिर कहाँ पर है, बहाई मंदिर है नई दिल्ली में, ठीक है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, टेनिस के खेल में सर्विस बॉक्स में गेंद इस प्रकार डालते हैं कि उसे विरोधी खिलाड़ी अपने रैकेट से स्पर्श या वापस नहीं कर सकता, सकती है, उसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस, ठीक है। टेनिस जब खेलते हैं तो बॉक्स में गेंद इस प्रकार डालते हैं कि जो आपके विपक्ष में जो खिलाड़ी होता है ना, दूसरी साइड जो खिलाड़ी होता है, वो अपने रैकेट से इसको स्पर्श नहीं कर सकता और वापस नहीं ला सकता, तो वो एस होता है, ठीक है, इसको एस कहा जाता है। भारतीय मृदा विज्ञान यानी कि IISS कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से क्या तत्वों के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता, तो धातु हमारे तत्व का वर्गीकरण में हमारे धातु, अधातु और गैर धातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स और थर्ड, इसका इंग्लिश में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो जल इसमें धातुओं में नहीं आता, ठीक है, वो द्रव आता है, द्रव में। नेक्स्ट है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निश्चित किया गया है, खालिस्तान ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी करेगा, तो 2024 में जो ओलंपिक खेल होंगे वो कहाँ होंगे, पेरिस में होंगे। अब की बार कहाँ थे, आई थिंक टोक्यो में थे। नेक्स्ट है, भारत ने 1974 और 1976 में किए गए समझौते के अंतर्गत श्रीलंका को कौन से द्वीप का स्वामित्व स्थानांतरित कर दिया, वो है कच्छथीवू। कच्छथीवू द्वीप है जिसका जिसका स्वामित्व भारत ने किसको दे दिया है, श्रीलंका को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तीन विकल्प भारत में प्रचलित प्रकार के म्यूचुअल फंड, भारत में किस तरह के म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है कि जो नहीं है वो विकल्प निकालना है, तो लार्ज कैप फंड होते हैं, मल्टी कैप फंड भी हैं, उसके अलावा मिड कैप फंड भी हैं, लेकिन शॉर्ट कैप फंड्स नहीं होते इंडिया में, ठीक है। ये तीन तरह के फंड्स हैं इंडिया में, लोअर्स कैप, मल्टी कैप और मिड कैप, शॉर्ट कैप के लिए कोई फंड लागू नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे कौन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा के सदस्य
नहीं थी। तो मनमोहन सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री भारत में रहे हैं जो कि लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। नेक्स्ट है, 2015 में वैज्ञानिकों ने लीगो नामक उपकरण का प्रयोग करके पहली बार कौन सी तरंगों का पता लगाया था। तो लीगो, एक ये भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी बन सकता है कि लीगो का प्रयोग किस तरह से, ठीक है, तो लीगो का हम गुरुत्व आकर्षण के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। अब यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री बने थे, पी चिदम्बरम और जसवंत सिंह, ये तीनों ही भारत में इन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर कार्य किया है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, इनको कभी भी वित्त मंत्री का कार्य नहीं सौंपा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने। तो ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इंदिरा गांधी जी भी बनी थी, नेहरू और मनमोहन सिंह, इन सबको दोबारा प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, या कहें कि बने थे, लेकिन बिहारी जी थे, एक ही बार प्रधानमंत्री बने, और अच्छे, जो कहते हैं कि एक बार में अच्छा कार्य करके, और सभी लोगों के मन में इन्होंने अपने लिए एक अलग ही जगह बनाई, और अब इनका देहांत हो चुका है। नेक्स्ट है, खालिस्तान का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अब ये देखना है कि ऑस्ट्रिया में किसका मुख्यालय है, WTO का, WHO का, OPEC का, पेट्रोलियम और निर्यातक देशों का संगठन, या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये जो हमारा पेट्रोलियम निर्यातक देश है, इनका वियना और ऑस्ट्रिया में वियना है, वहाँ पर इनका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, अपने जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनके बारे में तो पूरी इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए, है ना। तो श्वेत पट्टी के केंद्र में स्थित अशोक चक्र, देखिए आप जल्दबाजी में करेंगे कि सफ़ेद पट्टी, और सफ़ेद को शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, अगर शांति दे दिया तो आप गलत कराते। अब पूछा इन्होंने अशोक चक्र का, तो अशोक चक्र है धर्म का प्रतीक, ओके। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के शासनकाल के दौरान खालिस्तान व्यवस्था को धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भारत में विस्तारित किया गया। तो किस तरह, क्या, किसको विस्तारित किया गया था, रैयतवाड़ी को। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी संपत्ति को उसके मूल्य में किसी प्रकार की हानि के बिना बेचना या नकद में परिवर्तित करना आसान हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा तरल आस्ती। देखिए तरल का मतलब होता है इजीली, ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो और आसानी से आपको समझ आएगा, लेकिन इंग्लिश का है नहीं मेरे पास, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली संतलत से संबंधित नहीं थे। तो वो मोहम्मद गोरी नहीं थे, देखिए अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबल और तुगलक, ये तीनों ही दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे, मोहम्मद गोरी का संबंध इससे नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है हमारा, खालिस्तान को विश्व व्याप्त संजाल, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार, वर्ल्ड वाइड वेब का किसने, टर्म बर्सली, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, क्षेत्र का उसी क्षेत्र से संबंधित कला से संबंध, यानी कि हमें कौन सा, यहाँ पर हमारा म्यूजिकल भी दिया गया है, या कहीं रंगमंच की बात की गई है, यहाँ पर नाटक की बात की गई है ना, या नृत्य कह सकते हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए यक्षगान हमारा किससे संबंधित है, कर्नाटक से, ओके। अगर आपको एक भी आता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बी का हमारा एच पर, बी का एच पर ऑप्शन है, हाँ यहाँ पर भी है और इसमें भी है, ठीक है, तो ये तो हमारे कट जाते हैं बच्चे, दो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और जात्रा, जात्रा कहाँ पर होती है, जात्रा होती है हमारी पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा, जात्रा पश्चिम बंगाल। भवाई, भवाई का हमारा बनता है गुजरात में, यक्षगान कर्नाटक का है, और भांड पाथर ये है कश्मीर का, ओके। सो हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके जीके के क्वेश्चंस हुए। अब मैथ्स का मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देती हूँ, अगर जैसे ही मैं सॉल्यूशन करती हूँ तो आपके लिए अपलोड कर दूंगी, ये आप क्वेश्चन इसको पॉज करके देख सकते हैं। माना कि एक्स की न्यूनतम संख्या, एक्स एक न्यूनतम संख्या है जो 12, 16 और 24 से विभाज्य है, लेकिन जब इसे 13 से भाग दे तो शेषफल 1 है। जब एक्स को 52 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन है कि इकाई का अंक पूछा गया था,
फिर यहाँ पर धातु का, यानी कि ये आयताकार ब्लॉक आयत और बेलन के बारे में है। नेक्स्ट है आपका वस्तुओं का अनुपात, ये वृद्धि और कमी वाली क्वेश्चन है। फिर लाभ हानि से क्वेश्चन था, ये भी लाभ हानि से, ये भी लाभ हानि से, है ना। नेक्स्ट है अपनी आय का 70%, तो इसमें ये अपने परसेंटेज से आ गया, ठीक है। फिर एक मैदान समबाहु त्रिभुजकार, ये फिर आपका अंक गणित, सॉरी रेखा गणित से जो बोलते हैं, आ गया, है ना। फिर आपका ये आया आपका मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज, SI से आया एक क्वेश्चन, ठीक है। ये डिफरेंस वाला है, ए और बी का डिफरेंस पूछा है। फिर ये नाव का बोट वाला एक क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम से। तीन घोलों में स्प्रिट पानी, ये फिर रेशियो प्रोपोर्शन, ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक व्यक्ति पंखे घड़ी, ये फिर लाभ हानि से, ठीक है, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य वाला। फिर आपका परसेंटेज, ये आपका चाल दूरी समय, डिस्टेंस एंड टाइम। 15 संख्याओं का औसत, ये एवरेज से क्वेश्चन है। फिर आपका परसेंटेज से है, फिर आपका SI से है, फिर आपका टाइम एंड वर्क से है। एक क्वेश्चन आपका आया है, ये सिंपल वैसा है न्यूमेरिकल, ठीक है, नंबर सिस्टम से। ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं थोड़ी देर पॉज करके, ठीक है। 8,000 विद्यार्थी हैं और इस तरह से आपको दिया गया है, और ये इसकी वो टेबल दी गई है कि ए विद्यालय में 12% विद्यार्थी इस तरह से, और ये क्वेश्चंस है सभी 6 विद्यार्थियों में कुल मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या, और ये वही ग्राफ है फिर से, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन बना, ठीक है। और ये जिम इंग्लिश का, तो ग्राफ से आपके 2 क्वेश्चंस थे, SI से आपके 2 क्वेश्चंस थे, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम से था, परसेंटेज से थे, प्रॉफिट एंड लॉस से थे, ठीक है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। नंबर सिस्टम से 2 ही क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। इवनिंग तक आपको सब्जेक्ट के पोर्शन यानी कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में दे दिए जाएंगे। थैंक्स अगेन।